खादर जो मेरे खानपुर विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या थी आपातकालीन स्थिति में किसी अच्छे अस्पताल का क्षेत्र में ना हो। कोई भी बड़ी इमरजेंसी घटना हो जाती थी तो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश भागना पड़ता था। मैंने इसके संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक उपजिला अस्पताल खानपुर और लक्सर दोनों विधानसभाओं को मिलाकर बना दिया जाए, जिसके चलते इस भारी समस्या से, बड़ी समस्या से क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके और आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को मिल सके। और इसी कड़ी में जब प्रस्ताव पास हुआ तो जो जमीन चिन्हित की गई थी राजपुरा में, उस जमीन पर स्कूल था, एक जो स्कूल बंजर खंडर हो गया, बंद हो गया, वो स्कूल नहीं चलता है, तो उस स्कूल की भूमि को चिन्हित करके भेजा गया था। एसडीएम लक्सर द्वारा हरिद्वार जनपद गया डीएम साहब के पास, वहां से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शिक्षा के उनको गया, वहां से डीजी हेल्थ को गया, फिर वापस आया, उसका हस्तांतरण के लिए एनओसी गई प्रशासन शासन से, फिर वो शिक्षा विभाग को गया क्योंकि मूल जो जमीन थी वो शिक्षा विभाग की थी। शिक्षा विभाग से लगातार लगभग 3-4 महीने फॉलो करने के बाद 3 दिन पहले माननीय मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी स्वास्थ्य विभाग को उस भूमि के हस्तांतरण की, और कल उसका एक शासन आदेश जारी हो गया कि ये भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जाती है शिक्षा विभाग से। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मील का पत्थर आने वाले समय में खादर के लिए साबित होगा। 50 बेड का ये अस्पताल जो है 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका कार्य शुरू होगा, और 50 बेड को हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 100 बेड तक ले जाएं धीरे धीरे, ताकि खादर की समस्त जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खादर से बाहर ना जाना पड़े। मेरी प्राथमिकता खादर के किसानों को, आम जन को लाभ पहुंचाने की है, और लगातार उस क्षेत्र में हम प्रयासरत हैं, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की जो वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए उनका बहुत बड़ा अभाव है। 20 सालों में खादर की स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मेरा प्रयास है पहले इन सब चीजों को ठीक कर दिया जाए, हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि बिना किसी भेदभाव के समान नजर से सभी क्षेत्रों को देखते हुए आपने मेरे क्षेत्र पर जो परोपकार के कार्यों को जो आपने हरी झंडी दी है, जो उनमें आपका सहयोग रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।